पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कांग्रेस सेवादल द्वारा अतिवर्षा से हुए नुकसान की अतिशीघ्र क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर जिले भर में जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। छिंदवाड़ा कांग्रेस सेवादल कार्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में सेवादल जिलाध्यक्ष सुरेश कपाले ने बताया कि आज कांग्रेस सेवादल द्वारा जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर जिले भर में अतिवर्षा से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की राशि अतिशीघ्र प्रदान किए जाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन किया गया और प्रशासन से मांग की गई कि जिला प्रशासन की ओर से जिले भर के प्रत्येक गांव एवं जिले के सभी नगरों के प्रत्येक वार्डों का यथाशीघ्र सर्वे करवाया जाए। अतिवर्षा से किसानों की मक्का की फसल आड़ी हो गई है व मक्का तथा सोयाबीन की फसल खराब हो गई है, भुट्टे खराब हो गए हैं एवं गन्ने की फसल पानी में बह गई और सब्जियों की फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के मवेशी बड़ी संख्या में पानी में बह गए हैं, साथ ही ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कई मकान धराशाही हो गए हैं, कई मकानों की दीवार गिर गई है एवं जिले भर में इस अतिवर्षा से भारी जनधन की हानि हुई है और कई परिवार घर से बेघर हो गए हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस सेवादल द्वारा जिला प्रशासन को अतिवर्षा के कारण इन सभी नुकसान का अतिशीघ्र सर्वे कराकर मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। इस संबंध में कांग्रेस सेवादल द्वारा आज नगर मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम से जिला आपदा प्रबंधन समिति एवं जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर कांग्रेस सेवादल के जिलाध्यक्ष सुरेश कपाले, मिलिंद नाटकर, राकेश मरकाम, दिनेश देहरिया, निखिलेश चरण दुबे, जितेंद्र चौहान, बड़ी संख्या में सेवादल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विनोद चौरे, ब्यूरो चीफ, पंचायती राज न्यूज, छिंदवाड़ा। और दूसरी जो फसलें, सब्जियों की फसलें खराब हो गई हैं, मकान गिर चुके हैं, मवेशी बह चुके हैं, भारी जनधन की हानि हुई है, परिवार के परिवार इधर से उधर हो गए हैं। ये ऐसी स्थिति को देखते हुए तत्काल साधन से हमने मांग की है, माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि तत्काल मुआवजा दिया जाए और जो परिवार आहत हुए उनको तत्काल राहत पहुँचाई जाए और जीवन जो जीवन अस्त व्यस्त हो गया उनको व्यस्त किया जाए, उनको विधिवत ढंग से उनके स्थान पर पहुँचाया जाए। इसी बात को लेकर आज कांग्रेस सेवादल ने जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा है और हमसे मांग की है, तत्काल मुआवजे की मांग हमारी है, उन्हें मुआवजा दिया जाए। मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी गई थी कि लगातार बारिश होना है, उसके बाद ही शासन जागा नहीं, जिसकी वजह से छिंदवाड़ा जिले में भारी नुकसान हुआ है। गाँव में फसलें सूख गई हैं, फसलें पूरी तरह से गिर गई हैं।